फ्रेंड्स, मैं हेमलता सैनी, मेरे चैनल में फूड भारतीय खाना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं मैक्रोनी। मैक्रोनी बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद होती है। इसको बनाना तो बहुत ही आसान होता है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने लिया है एक प्याज, जिसको मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। एक टमाटर लिया है, इसको भी मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। 2 चम्मच टमाटर केचप, रिफाइंड तेल, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। 1 कटोरी मैंने मैक्रोनी लिए, लगभग 150 ग्राम है। लाल मिर्च, नमक, अब हम इनको उबालते हैं। मैं ये भगोने में 3 गिलास पानी की डाल दें। अब पानी को अच्छे से उबालना, नहीं तो गर्म होने देते हैं। हमारा पानी गर्म हो गया है, अब हम मैक्रोनी डाल देते हैं इसमें। इसको हिला देते हैं। अब 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ ताकि फीकी नहीं लगे, टेस्ट में अच्छा हो जाए। 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ ताकि चिपके नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी इससे। अब हम जब तक उबालेंगे जब तक ये सॉफ्ट भी हो जाएगी और ये फूल भी जाएंगी। आप बीच बीच में इनको हिला दें ताकि चिपके नहीं। हमारी उबल गई है मैक्रोनी, फूल भी गई है और नरम भी हो गई है। अब गैस बंद कर देंगे और इनको एक चलनी में निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देते ताकि बिल्कुल भी नहीं चिपकते ठंडे पानी से। मैंने सारा पानी निकाल दिया इनका। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, अब इसमें 1 बड़ी चम्मच तेल की डालते हैं। इसको गर्म होने देते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज डालते हैं। अब टमाटर डाल देते हैं। अब इनको 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। दो मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से पक गए हैं। अब मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ अपने टेस्ट के अनुसार, ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1 चम्मच मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर। अब इसको 1 मिनट और पकने देते हैं। अब 1 मिनट हो गया है, मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसमें टोमेटो केचप डाल देते हैं। अब मैक्रोनी डाल देते हैं, अच्छे से मिला देते हैं इनको। गैस को हम मीडियम ही रखेंगे।
हमारी मैक्रोनी बन गई है। अब गैस बंद कर दें और इनको अलग बर्तन में निकाल लें। हमारी मैक्रोनी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसको बच्चों के टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं, बच्चों को ये बहुत ही पसंद होती है। आप इसको बनाकर जरूर देखें।